नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं कि उसके अगर आप ये सीखते हो तो आपको ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगे। और दोस्तों, मैं पिछले करीब 4-5 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, उसकी वजह मैं बिजी हूं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास 2-3-4 साइडें चल रही है एक साथ में, तो मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आपको वीडियो डाल सकूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको, अगर आप अकेले आदमी हैं, आपके पास कोई मिस्त्री है और या लेबर है और कहीं आपको अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए कि हम लेवल कैसे करें, तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आप पूरी ज़िंदगी भर इसको भूल नहीं पाओगे। क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिकली ज्ञान है वो मैं आपको इस बता रहा हूँ, और इसके लिए आपको एक छोटा सा तरीका मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे हम लेवल लगाते हैं। इस लेवल से आप चाहे कमरे में लगा लो, पूरे मकान में लगा लो, या कहीं प्लेन जगह होती है उससे लेवल कर सकते हैं, या फिर हम कहीं भी कैसे भी करके अकेला आदमी भी इस लेवल को कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक बाल्टी में पानी भर लिया और उसमें लेवल पाइप का एक सिरा कुछ पत्थर वगैरह कुछ चीज़ बांध करके बाल्टी में हम डाल देते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उससे उस लेवल पाइप में पानी निकाल लेते हैं। और दोस्तों, सही तरीका, लेवल पाइप में जो आगे का हिस्सा होता है जहां हम निशान लगाएंगे, वो आपको दिख रहा होगा वीडियो में, मैंने एक पाइप का टुकड़ा लेके इस तरीके से बांध रखा है, जो वैसा पाइप है, ये CPVC वाला पाइप का टुकड़ा है, करीब 2-3 फीट का टुकड़ा है, और इसको मैं लेवल पाइप को इसके साथ बांध के और ऊपर और नीचे दो जगह टेप लगा दिया है, और इससे हम इस तरीके से लेवल करते हैं कि इसका लेवल कभी आप फेल नहीं कर सकते। कभी ऐसा होता है जैसे दो आदमी अगर लेवल का निशान जो लगाते हैं वो आगे पीछे कभी कोई नीचा कर देता है या कोई गलत कर देता है और कोई ऊपर कर देता है, मिलाने में बार बार मिलाने में कहीं दिक्कत आ जाती है तो लेवल हमारा ऊंचा नीचा हो जाता है। तो दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे कि जितना हमारा लेवल, एक लेवल हम इंची टेप से पहले दीवार पर निशान लगा देते हैं। अगर ये काम हम किसी कमरे में या बिल्डिंग में करते हैं तो उसमें बीच में पानी भर के और रख दिया, उसके बाद में हम एक निशान हमारा लगा लेते हैं, चाहे वो 2 फीट पर हो सकता है, चाहे 1 फीट पर हो सकता है, लेवल का निशान लगा करके उसके बाद में हम उससे चारों तरफ जहाँ भी हमें निशान लगाना चारों तरफ लगा सकते हैं, क्योंकि उस बाल्टी का पानी जितना रहेगा ना वो कम होगा ना वो ज़्यादा होगा, और इस तरीके से हम ये निशान लगा सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी प्रैक्टिकली जो यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक पार्किंग बना रहे हैं और ये पार्किंग करीब 10,000 फुट एरिया बनेगा। इतना एरिया एवरेज हम मान के चलना 10,000 फुट एरिया में, हम इसको क्या किए हैं कि हमारा जो रोड होता है, रोड लेवल से हमने एक लेवल उठा लिया है 1 फीट का। अब हम उस लेवल को चारों तरफ घुमाएंगे एक लेवल को, और उसी लेवल से हम जो भी ढलान देंगे या टेपर देंगे वो इस तरीके से देंगे कि आपको कहीं भी देना है जहाँ दे सकते हो। तो उससे हम क्या करेंगे, पहले हमने चारों तरफ निशान लगा लिया है, हर एक खम्भे से चालू किया, चारों तरफ पेड़ों पे जहाँ भी जगह हमको मिलती है, या कोई भी निशान लगाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, खड़ा सरिये भी खड़े कर सकते हैं, तो उस पर हम चारों तरफ निशान लगा देते हैं। और उसके बाद में अब हमें टेपर जो देना होता है उसी तरीके से हम टेपर में सूत बांध के, पहले सूत बांध लिया, उसके बाद में एक साइड से हम नापते चलेंगे कि यहाँ हमारा ऊँचा रखना है। जैसे सपोज करना कि 1 फीट का निशान लगाया है तो यहाँ हमें 1 फीट चाहिए, तो 1 फीट पर निशान लगा लेते हैं। और दोस्तों, विशेष ध्यान एक बात का आपको रखना है, अगर आप
कभी भी ध्यान रखें, इसके अंदर जहाँ टेपर होता है या ढलान देते हैं किसी भी चीज़ में, तो दोस्तों इस बात को आप ज़िंदगी भर ध्यान रखना कि जब भी ढलान देते हैं वहाँ पर गहराई के लिए मतलब आपका जो इंची टेप है वो ज़्यादा मांगेगा। जैसे कि जिस जगह टेपर जाएगा वहाँ पे इंचों में ज़्यादा आएगा। जैसे कि हमारा एक फिट पे निशान लगा दिया, तो एक फिट का जो निशान लगाया है अगर हम ढलान दूसरी तरफ देते हैं तो वहाँ पे यानी कि एक फिट का मतलब 12 इंची, और उधर हम चले गए अगर 1 इंची का या 2 इंची का 4 इंची का ढलान देंगे, तो जैसे 4 इंची का ढलान दिया तो सपोज करना यहाँ पे हम मांगते हैं 12 इंची, तो 4 इंची का माना तो हमारा 12 और 4 16 इंची, यानी कि वहाँ 16 इंची गहरा जाएगा हमारा जिस निशान लगाया उससे नीचे, तब जाके हमारा ढलान बनता है। अब दोस्तों इस बात को एक चीज़ और ध्यान रखना, हर वक्त आदमी, मैं जानता हूँ इस बात को, देखा है मैंने कई जगह हम मिस्त्रियों के भरोसे अगर ये काम छोड़ देते हैं तो मिस्त्री क्या करते हैं कि भाई कितना ढलान देना है, तो वो कहेंगे जी 4 इंची का ढलान देना है या टेपर देना है, तो वो क्या करेंगे 4 इंची नीचा ना करके 4 इंची ऊंचा कर देते हैं जिस साइड को हम ढलान देते हैं उससे, तो उनको क्या होता है कि उल्टा ढलान हो जाता है। बाथरूमों में ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आती है, छोटी छोटी जगहों में ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि 1 इंची का ढलान होता है और आँखों से वो नज़र नहीं आता, बाद में जाके पता चलता है पानी डालते हैं तो उल्टा ढलान हो जाता है। इसलिए दोस्तों इस बात को विशेष ध्यान रखना कि हम जब भी करें तो जहाँ ढलान देते हैं वहाँ पे ज़्यादा मेजरमेंट आती है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। अब मैं आपको ये बाल्टी के द्वारा जो लेवल किया है, मैंने रोड से उठा लिया था इसको, एक फिट पे निशान लगा लिया था रोड लेवल से एक जगह, और उस बाल्टी का जो पानी है उसको भी मैंने उस निशान से मिला लिया है, और उसके बाद में अब मैं आपको यहाँ से निशान लगाना चालू कर रहा हूँ। इससे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि लेवल का निशान कैसे लगाएं। अगर दोस्तों फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप इस वीडियो को देख के आप समझ लेना, फिर भी नहीं आती है तो आप मेरे से कॉल करके एक बारी पूछ सकते हो।